अस्सलाम वालेकुम। आज एक और रिकर्सिव फंक्शन देखते हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन का हमारे पास जो हमें चाहिए वो ये है कि एक गेट कॉस्ट का फंक्शन बनाना है जिसमें एक नेम पास किया गया होगा। तो मैं आपको पहले ओवरव्यू दे दूं कि हमारे पास कोड में हो क्या रहा है। सारी क्लासेस तो वगैरह मैंने बना दी थी। इसमें ओवरव्यू ये है कि हमारे पास आइटम है, उसका एक नाम है और उसकी एक कॉस्ट है। अब उसमें ऐसे हो सकता है कि एक आइटम है तो उसके सब पार्ट्स कुछ आ जाएं और वहाँ पे जाके फिर उनकी भी आगे प्राइस होगी। इसका मैं आपको एक टेस्ट केस दिखाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये केस है। अब हमारे पास इस केस में तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है तो उसकी डायरेक्ट एक प्राइस दी गई है। लेकिन अगर प्राइस नहीं दी गई, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो आइटम है इसकी प्राइस नहीं दी गई लेकिन इसके सब पार्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं, उन सब पार्ट्स की प्राइसेस ज़रूर दी गई होंगी। जैसे कि वुड है, यहाँ पे टेप की नहीं दी गई लेकिन नेल, वुड, इन चीज़ों की प्रोडक्ट की प्राइस दी गई है। यहाँ पे ये जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है ये भी कहीं लिस्ट आउट नहीं होती तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रही है। खैर, ओवरव्यू यही है कि हमारे पास जो एक प्रोडक्ट नेम होगा और उसकी कॉस्ट होगी। अगर तो उसकी कॉस्ट नहीं गिवन होगी तो हमारे पास क्या होगा कि उसके सब पार्ट्स होंगे। तो सब पार्ट की हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारे पास उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो होगी। खैर, आगे चलते हैं और फिर बाकी हमें कोई ड्यूरिंग रिकर्सिव फंक्शन बनाते हुए कोई कोड का देखना पड़ा कि कहीं पे पार्ट पे के कहाँ पे क्या हो रहा था वो देख लेंगे साथ में। अभी चलते हैं फंक्शन की तरफ। ये हमारे पास फंक्शन है। इसमें हमारे पास बेसिकली करना क्या है कि हमारे पास गेट कॉस्ट का फंक्शन होगा और नेम एक दिया गया होगा। अब हमने सिंपली पहले तो लूप लगा के चेक करना है कि हमारे पास वो एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। तो इस फंक्शन में हमारे पास दो तीन चीज़ें उन्होंने की पॉइंट्स बता दी हैं कि इफ़ नो आइटम हैज़ अ नेम दैट इज़ प्रोवाइडेड देन रिटर्न जीरो। ऑब्वियसली अगर वो हमें प्रोडक्ट हमारे पास जो लिस्ट पड़ी हुई है उसमें मिलती नहीं है तो हमारे पास कॉस्ट जीरो होगी। और अगर तो वो कहते हैं कि रिटर्न हमें मिलती है कि बेसिक पार्ट में मिलती है, बेसिक पार्ट का ये मतलब है कि हमारे पास जैसे वो टेस्ट केस था तो बेसिक पार्ट ये हो गया। हमें अगर इसमें अंदर अंदर ही मिल जाती है जिसके साथ हमें एक कॉस्ट दी गई होती है तो उसमें क्या है कि हमने सिंपली उसकी कॉस्ट रिटर्न कर देनी है। लेकिन तो वो कहते हैं कि हमें वो आइटम फाउंड होती है क्राफ्टिंग लाइब्रेरी में एंड इज नेम ऑफ रिसीट, इन दिस केस द कॉस्ट ऑफ आइटम इज सम ऑफ कॉस्ट ऑफ इट पास। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर अब रिसीट का क्या मतलब है, एक आइटम रिसीट तब बनती है जब उसकी कॉस्ट नहीं गिवन होगी लेकिन उसके सब पार्ट्स गिवन होंगे। तो उनके कहने का ये मतलब है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है उसका नाम हमें मिल जाता है लेकिन वो एक रिसीट है। रिसीट क्या मतलब है कि हमारे पास रिसीट के उसकी कॉस्ट नहीं गिवन लेकिन उसकी हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो गिवन है। तो उस केस में क्या होगा कि उसके जो पार्ट्स की कॉस्ट होगी उनका सम करके हमने रिटर्न कर देना है कि हमारे पास यही जो है। अब इसमें मजे की चीज़ ये आती है कि हमारे पास जो वुड है, जब वुड आएगा तो हमें दोबारा से हमारी लिस्ट के ऊपर ट्रेवर्स करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो हमें कहाँ पे वुड मिलता है और हमें उसकी प्राइस जो है वो फिर वहाँ से निकाल के लानी पड़ेगी। अब जैसे कि हमारे पास ये तो एक नेम है, सिंपली एक नेम है लेकिन यहाँ पे तो उसके साथ कुछ भी नहीं डाटा दिया। तो बस हमने यहाँ पे जो नेम है बेसिकली इस नेम को गेट करना है और दोबारा से हमारी लिस्ट के ऊपर चेक करना है कि हमें ये कहाँ पे मिलता है। अब इसमें मज़े की चीज़ ये बनती है कि वुड के ऊपर सपोज करें हम ट्रेवर्स कर रहे हैं और वुड आगे जाके दोबारा एक रिसीप बन जाता है तो उसके आगे फिर पार्ट्स आते हैं तो उन पार्ट्स का सम दोबारा से होगा, मतलब कि वन बाय वन उनके ऊपर ट्रेवर्सिंग होगी। समझ ले उसका पहला पार्ट आता है, उसका पहला पार्ट फिर आगे ट्रेवर्स करते वक्त हमें पता लगता है कि रिसीप है तो वो दोबारा से मतलब कि ऐसे बन जाता है। तो उसके लिए उन्होंने खुद भी कहा हुआ है कि एक रिकर्सिव फंक्शन ही बहुत यूजफुल होगा और ऑब्वियसली हमें रिकर्सिव फंक्शन ही इसका बनाना चाहिए। खैर, आते हैं इसकी तरफ। तो बाकी हमारे पास पहला जो पार्ट होगा, एक तो सिंपल लूप होगा कि हम लोग पहले चेक करेंगे कि भाई हमें नाम मिलता कहाँ पे है। देन अगर हमें वो एज अ रिसीप मिलता है जो हमारे पास आइटम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर रिकर्सिव फंक्शन में कॉल करके हमें उसके जो पार्ट्स हैं
उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको बताया प्रॉब्लम कि हमारे पास जैसे एक प्रोडक्ट मिलती है, आइटम हमें मिलती है जो कि दोबारा ट्रेवर्स करते वक्त हम लोग आइटम लिस्ट में देखते हैं कि वो दोबारा से आगे रिसीव है, तो वहाँ पे फिर रिकर्सिवली कॉल होगा उसको। खैर आते हैं फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है, बेसिकली ये क्राफ्टिंग लाइब्रेरी एक क्लास है जो कि जिसके अंदर ये एग्रीगेट हो रही है, क्राफ्टिंग आइटम जो है वो हम लोग एग्रीगेट कर रहे हैं इसके अंदर। अभी इसमें ये है कि हमारे पास गेट कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, रिटर्न जीरो बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है कि आइटम हमें फाउंड नहीं हो रही। तो हम लोग सिंपली हमारे पास बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्राफ्टिंग आइटम की एरे है, उसके अंदर हम लोगों ने आइटम सारे स्टोर करवाए हुए, तो हम लोगों ने चेक बेसिकली इसमें से ही करना है। अब इसके फंक्शंस जो पब्लिकली मैंने बना दिए हुए हैं कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स में पड़े हुए हैं, और एक आइटम गेट करना हो किसी इंडेक्स पे तो वो भी फंक्शन है हमारे पास। आइटम जो है वो इंसर्ट करते वक्त हम लोगों ने देखना है कि इंसर्ट का फंक्शन भी दिया हुआ है। बेसिकली हम लोगों ने ट्रेवर्स करना है, तो जो लूप थ्रू करेंगे वो नंबर ऑफ आइटम पर करेंगे। यहाँ पे तो आ गया हमारे पास। अब हमने एक एक इंडेक्स के ऊपर जो आइटम है वो गेट करके उसको कंपेयर कर लेना है हमारे नाम के साथ। इसका हमें गेट नेम पहले करना पड़ेगा, गेट नेम डॉट कंपेयर टू द नेम, और अगर ये रिजल्ट जीरो आता है तो हमें अपनी जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो मिल गई है, आइटम हमारी लिस्ट के अंदर हमें मिल गया। अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें करनी है, हमने बेसिकली उसकी जो कॉस्ट है ना वो चेक कर लेनी है, क्योंकि अगर तो उसकी कॉस्ट ज़ीरो है, अब हमारे पास जो आइटम के कंस्ट्रक्टर थे उसमें ये था कि हमारे पास अगर तो दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास टेस्ट केस में आप देखें कि यहाँ तो उसका नाम होगा और साथ में उसका उसकी कॉस्ट होगी, तो उस केस में क्या होगा कि ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल होगा और उस केस में जो एरे है वो ऑब्वियसली नल हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने दूसरे केस में जैसे कि हमारे पास नेम है उसके पार्ट्स गिवन है, तो उस केस में हमारे पास जो है नेम आ गया और पार्ट्स आ गए तो ऑब्वियसली वो नल नहीं होगा, लेकिन हमारे पास कॉस्ट उस केस में जीरो होगी। तो हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर पार्ट्स नल हैं या फिर कॉस्ट जीरो है, तो मैं यहाँ पर कॉस्ट ज़ीरो को चेक कर लेता हूँ कि अगर तो कॉस्ट ज़ीरो है तो फिर उसके हमारे पास जो उसके पार्ट्स हैं उनके ऊपर रिकर्सिवली कॉल करो, उनको सम अप करो और फिर रिटर्न कर दो। चलें तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, इफ गेट आइटम इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तो फिर इसमें हमें रिटर्न क्या करवाना पड़ेगा कि इसकी जो कॉस्ट है वही बेसिकली हम लोग रिटर्न करा देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमने इसकी आइटम के जो ऊपर है आइटम हमने गेट कर ली बेसिकली, तो हमें यहाँ पे अब दूसरा फंक्शन जो है रिकर्सिव वो बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए वो फंक्शन बना लेते हैं पहले। अब इसको हम लोग प्राइवेट रख लें तो इसका मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी टाइप डबल रखनी पड़ेगी, एंड इसको हम लोग नाम दे लेते हैं कि सम सब पार्ट्स। अब इसके अंदर हमें दो चीज़ें बेसिकली पार्ट कर पास करनी पड़ेंगी, एक तो हमें जिस आइटम के ऊपर जाके हमें मिल गया, अब बेसिकली हमने इस आइटम के सब पार्ट्स जो हैं उनको सम करना है, तो इस आइटम का हमारे पास थ्रू आउट द मतलब कि इस फंक्शन में होना ज़रूरी है, और हमारे पास एक स्टार्टिंग इंडेक्स भी होना चाहिए कि हम लोगों ने स्टार्ट बेसिकली स्टार्ट तो ज़ीरो से ही कर रहे हैं, लेकिन बाय ट्रेवर्सिंग हम लोगों के पास वो यूज़फुल रहेगी, क्योंकि हम लोग हर बार इंडेक्स को प्लस प्लस करके आगे मूव कराते जाएंगे और हमारे पास जो है कॉस्ट नए एलिमेंट की आती रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्राफ्टिंग आइटम को एक ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, इसको टेम्प नाम दे देते हैं, एंड इंडेक्स
इंडेक्स वेरिएबल आ गया। चलें, तो अब हमारे पास यहाँ पे बेस कंडीशन तो ये बनेगी कि अगर तो इंडेक्स हमारे पास मैच कर जाता है टेम्प के, जो हमारे पास गेट नम पार्ट का फंक्शन जो है, इसके अंदर हमारे पास जितने हमारे पास उसके पार्ट्स हैं वो उसकी उसकी लेंथ जो है वो रिटर्न कर रहा है, वो पार्ट्स को पहले कंपेयर करेगा, अगर नल तो नहीं, अगर नल है तो ऑब्वियसली उसकी मतलब लेंथ जीरो होगी, अगर वो जीरो नहीं आता तो फिर उसका वो रिटर्न कर देगा भाई उसकी लेंथ कितनी है। तो बेसिकली एक आइटम के अगर पार्ट्स हैं तो उसकी लेंथ हमने चेक करनी हो तो ये, अब उसके आगे पार्ट्स कोई भी इंडेक्स गेट करनी हो तो गेट पार्ट का फंक्शन है वो हमें उसकी वैल्यू जो है एज अ स्ट्रिंग जो वो रिटर्न करके दे देगा। अब इसके बाद हमारे पास सिंपली हम लोगों ने यही चेक कर लिया कि अगर तो ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, इंडेक्स उसके इक्वल आ जाता है तो रिटर्न हम लोग यहाँ पे जीरो कर देंगे क्योंकि हमने रीड करेक्शन यहाँ पे स्टॉप हो गई। एल्स पार्ट में ये होगा कि अब यहाँ पे एक तो ये है कि हमें अब वो पार्ट मिल गया, एक वो नेम मिल गया जिसका हम लोगों ने सम जो है वो करना है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था कि एक वुड नेम हमें मिल गया, तो हमने दोबारा उसको लिस्ट के ऊपर ही ट्रैवर्स करना है और देखना है कि उसकी प्राइस क्या है। तो इतनी हमें इस बात की श्योरिटी दी हुई है हमारे पास ये जो टेस्ट केस है क्राफ्टिंग आइटम का, अब इसमें हमारे पास इतनी श्योरिटी है कि हमारे पास जो उसके पार्ट हैं उनकी प्राइसेस गिवन है लिस्ट के अंदर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे, अगर अगर तो कोई नाम मिलता है उनसे जो वो सर्च कर रहे हैं टेस्ट केस के अंदर, तो उनके जो आगे सब पार्ट्स हैं उनकी जो प्राइसेस है ना वो यहाँ पे लिस्ट के अंदर पहले से आइटम भी फाइंड हो जाएंगे और फिर आगे वो सारा कुछ हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे करना यही है कि पहले तो हम उसके दोबारा से यही गेट कॉस्ट का फंक्शन कॉल करेंगे। अब गेट कॉस्ट का फंक्शन कॉल करेंगे और इस बार हम लोग टेम्प के ऊपर जो नेम हमें मिलेगा उसके ऊपर हम लोग कॉल करेंगे। तो इस हमें गेट पार्ट से हमें एक पार्ट का नेम मिल गया, हमने दोबारा से वो जो फंक्शन है हमारे गेट कॉस्ट का हमने वो कॉल कर लिया और वो हमें लिस्ट के ऊपर से दोबारा सर्च करके हमें वो दे देगा। अगर तो सपोज करें यहाँ पे वो दोबारा सर्च करने आता है और यहाँ पे उसको पता लगता है कि उसकी कॉस्ट जो है फिर से वो जो जीरो ही है, तो दोबारा से उसको यहाँ पे वो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे फंक्शन कॉल वो लिख देंगे बाद में, सब पार्ट्स इसमें हमारे पास एक तो गेट आइटम है, ऐसे फंक्शन की कॉलिंग दोबारा करना सही नहीं होती। यहाँ पे कोड बस छोटा करने के लिए मैंने इसको लाइक हर जगह लिख ही दिया। गेट आइटम क्राफ्टिंग आइटम सम सब पार्ट, तो नाम गलत था। खैर हमारे पास अभी ये फंक्शन कॉल होगा, तो पहले हमारे पास ब्रेक डाउन तो ये आ गया कि हमने अब उसका पार्ट हमें जो मिल गया हमने दोबारा से उसको ट्रेवर्स करके देखना है कि लिस्ट में अगर फाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके बाद वो यहाँ पे प्राइस जो है वो दे देगा। अब सपोज करेंगे वो दोबारा सर्च करने आता है और उसको पता लगता है कि वो दोबारा से उसकी कॉस्ट जो है वो जीरो ही है, तो दोबारा उसको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और उसके सब पार्ट में बेसिकली वो चला जाएगा। तो ये कितना डीप डाउन हो जाएगा इसका कुछ आइडिया नहीं लगाया जा सकता। खैर इसके आगे एक तो उसकी कॉस्ट आ गई, एक उस पार्ट की कॉस्ट आ गई, अब हमने मूव भी करते जाना है, दोबारा से हम लोगों ने इस फंक्शन को ही कॉल कर लेना है, बट विद दिस टाइम हम लोगों ने ऑब्जेक्ट तो सेम ही है जिसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें इसकी इंडेक्स अब अगले वाली चाहिए, तो हम इसको प्लस प्लस इंडेक्स में डाल के दोबारा से कॉल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये फंक्शन हमें एक्चुअल में कॉस्ट जो है वो लिस्ट में ट्रेवर्स करके दोबारा से फाइंड करके दे देगा, और ये जो है ये उसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करेगा और तब तक मूव करता जाएगा जब तक उसका डेड एंड जो है वो नहीं आ जाता। तो बेसिकली अगर हम लोग ये सोल्यूशन रिकर्सिव ना बनाते तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब केस में था, अभी तो ये रिकर्सिव हम लोगों ने बनाया तो ईजीएस्ट हो गया। हो सकता था आपके दिन में ये सोल्यूशन सारा कुछ आ गया हो, लेकिन अगर तो ये सारा कुछ टेस्ट केस गिवन नहीं होते जो कि पहले मेरे पास नहीं थे, ये बाद में टेस्ट केस सारे बनाने पड़े, तो इनका ये है कि टेस्ट केस में सारा कुछ यही है
इनकी प्रोडक्ट के आगे कॉस्ट जो है वो इजी लेवल पे दी थी, लेकिन यहाँ पे अगर डिग इन हो जाए तो फिर हो सकता है कि, खैर इसको रन करके देख लेते हैं। हमारे पास जो कॉस्ट, हमारे पास ये फंक्शंस हैं। अब इसमें सबसे पहले वो गेट कॉस्ट कर रहा है वुड की, तो वुड की तो सिंपली हमें पता है कि वुड हमारे पास 2.5, जो अब ये डॉलर है या रुपीज़ है कोई आइडिया नहीं इसका, साथ में जो डॉलर लगा देंगे। देन हमारे पास अगर टेप है तो टेप भी हमारे पास सिंपली गिवन है। और नेल बैट, अब ये इंटरेस्टिंग है, नेल पैड हमारे पास यहाँ पे फाइंड होगा इसमें, और उसके सब पार्ट्स का फिर सम होगा। तो वुड की कॉस्ट 2.5 एंड देन नेल अप टू सोन, तीन नेल है तो ये 4.5 एंड 2.5, 5 एंड 2 7, तो हमारे पास रिजल्ट सही आ रहा है 7। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास के स्पेयर, स्पेयर के हमारे पास फुट, टेप, नेल और नेल। अगर सपोज करें यहाँ पे हम लोग दोबारा से इसको कर दें, ऐसा कोई फाइंडिंग प्रोडक्ट हो जो कि थोड़ा सा और डीप उसको जाना पड़े, जैसे कि हम लोग दोबारा यहाँ पे अगर नेल बैट जो है वो लगाएं, तो उसमें क्या होगा कि उसको दोबारा से ऐसे होगा कि भाई जब वो यहाँ पे आएगा तो उसको पता लगेगा इसकी कॉस्ट नहीं है, दोबारा से उसको इसके ऊपर सारा ट्रेवर्स करना पड़ेगा, और इसकी कॉस्ट पहले वो सम करके सिर्फ इस हिस्से में वो सारी कॉस्ट जो है वो रिटर्न कराएगा। तो अभी स्पीयर पे हमारे पास कॉस्ट आके आ रही है, स्पीयर पे हमारे पास 7.5 कॉस्ट आ रही है, और यहाँ पे पहले क्या था नेल, और उसकी कॉस्ट थी 1.5। चलें तो देख लेते हैं इसको फिर, 7.5 तो 6, इन तीनों की मिला के 6 बन गई। चेक कर लेते हैं, वो 2.5 टेप की 4.5 हो गई एंड देन हमारे पास 5 एंड 6, सही है, इन तीनों की मिला के 6 हो गई। और इसकी मिलाकर नेल बैट की टोटल प्राइस जो हमारे पास यहाँ पे थी 7 थी, 7 और 6 13, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 13 आना चाहिए। देखिए हमारे पास ये आंसर इसका 13 आ गया, क्योंकि उसने फिर इसकी डिग इन किया है और चेक किया उसको कि यहाँ पे इसकी कॉस्ट जो है वो दोबारा से 0 हो रही है, तो वो दोबारा इसके ऊपर ट्रेवर्स करेगा। ये यहाँ पे मज़ा आ रहा था इस प्रॉब्लम को देख के, कि दोबारा से अगर वो आता है और देखता है कि यहाँ पे भी गिवन था हमारे पास जो है कि अगर हमारे पास वो दोबारा से फाइंड आउट करता है कि भाई, हाँ खैर यहाँ पे कहीं था कि भाई, तो इसका सोल्यूशन का आंसर सारे मैचिंग है यहाँ पे, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट भी लिखी थी मैंने। खैर इसके आगे सारे ये वाले जो हैं वुड, टेप, नेल बैट, स्पीयर एंड ऑल, ये सब की कॉस्ट वगैरह मैंने कैलकुलेट की थी तो सब कुछ सही था। ये 100 इसका नहीं है, ये 100 कहीं नीचे से आ रहा है, इसको छोड़ दें, ये 0.0 तक ही है। खैर ये सारे के सारे फिर आपने देख लिया इसको, इसमें बस वो पार्ट यही था कि इसका सोल्यूशन रिकर्सिव बनाना जो था वो लाजमी था, अगर रिकर्सिव नहीं बनाते तो फिर खैर इससे भी मतलब कि मैं मुश्किल और हार्ड जो है रिकर्सिव फंक्शंस और ढूंढ के लाऊंगा। ये हार्ड इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें पहले तो टेस्ट केस वगैरह कोई इवन नहीं थे, और यहाँ पे जो उन्होंने स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी उनसे इतना क्लियर नहीं हो रहा था। खैर इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।